हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ, जो भी आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज कुछ पुरानी अपडेट मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ। आपको जैसे मालूम है कि 22 अक्टूबर को भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन है आपकी पद वृद्धि को लेकर। पद वृद्धि क्यों आवश्यक है, ये बात आपसे छुपी नहीं है। बहुत से लोग जो हैं ओवरएज हो रहे हैं दोस्तों, अच्छे नंबर लाने के बाद भी उनके नाम जो है चयन सूची में नहीं आए। कारण एक ही है कि उनकी पदों की संख्या बहुत कम है। मैं वर्ग एक की बात करूं, वर्ग दो की बात करूं, पद वृद्धि होना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इस मुहिम को आप समर्थन जरूर करें। जमीनी स्तर पर लगातार इसकी मांग की जा रही है। सोशल मीडिया अभियान भी इसके लिए दोस्तों चलाया जाएगा। सोशल मीडिया अभियान में आप कैसे भाग ले सकते हैं, ट्विटर पर कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, इस संबंध में मैं कल वीडियो ला चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों, और भी हमारे पास जो है मांगे हैं, चाहे मैं बात करूं उन लोगों की जो कि होल्ड पर हैं और जिन्हें स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। बहुत से लोग एक्सेप्ट की रिसीप्ट मिल चुकी है लेकिन फाइनल चयन सूची में नाम नहीं है। वेटिंग वालों के जो है उनके संबंध में कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया, किस तरह से वेटिंग क्लियर होगी। और यहाँ पर एक विसंगतियाँ और देखने को मिली हैं कि कम रैंकिंग वालों का जो है नाम आ रहा है, ज़्यादा रैंकिंग वालों का नहीं आ रहा। DPI में भी उस संबंध में जो है आपत्ति दर्ज करा दी गई है और वेटिंग वाले अपनी मांग को लेकर न्यायालय की शरण में भी जा रहे हैं दोस्तों। इससे होगा ये कि न्यायालय दिशा निर्देश जारी करेगा तो वेटिंग वालों को वहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ में जनजाति विभाग, क्योंकि जनजाति विभाग ने अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया है कि हम कब से आपकी जो है लिस्ट जारी कर रहे हैं, कब से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग जो है जाते हैं आपके जो जनजाति विभाग, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि हम एक वीक में आपकी जो है लिस्ट जारी करेंगे। पहले 15 तारीख को ये बात बोली गई थी, यानी कि 15 तारीख तक कर देंगे। अब फिर 15 के बाद भी लोगों ने पूछा तो फिर से एक वीक बता दिए दोस्तों। तो वहाँ भी हमें सोशल मीडिया के द्वारा मांग करनी ही करनी है। मेरा एक ही मकसद है कि हम जितना गवर्नमेंट से लाभ ले सकें दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना लाभ ले ही लेती है, आपके सामने जो है वादे करती है कि हम ऐसे ऐसा करेंगे और उस हिसाब से आप वोटिंग करते हैं। और जब गवर्नमेंट जीत जाती है तो हमारा फिर हक हो जाता है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो निभाएं और हम उन्हें अपने वादे याद दिलाएं। और जब उपचुनाव की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होंगे CM पद के लिए या फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे दोस्तों, तो हम उन्हें उन वादों को याद दिलाएं और हम भी अपना लाभ लें दोस्तों। मैं तो ये कहूँगा कि जो होल्ड पर हैं, जिन्हें स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, प्लीज़ उन्हें स्कूल अलॉट करें, इसकी मुहिम होनी चाहिए। बहुत से लोगों को क्यों छोड़ दिया गया है जब उन्हें एक्सेप्ट की रिसीप्ट मिल चुकी है। होल्ड वालों को क्यों नहीं बताया गया कि वो एक्सेप्ट में आए हैं कि रिजेक्ट में आए, और रिजेक्ट हुए तो उसका कारण क्या है। जो हमारे वेटिंग वाले भाई बहन हैं उनके साथ ये ऐसा क्यों किया गया कि वो जब पहली वेटिंग है, दूसरी वेटिंग है, तीसरी वेटिंग है और उनकी वेटिंग वहाँ पर क्लियर हो सकती थी, क्योंकि बहुत से लोग नियमों के चलते बाहर हुए, तो उनकी जो फाइनल वेटिंग लिस्ट है वो क्यों जारी नहीं की गई। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी मांग करनी है। और जनजाति विभाग, हम DPI की ये सब मांगे हैं लेकिन जनजाति विभाग को भी अपनी जो है प्रोसेस आगे बढ़ानी चाहिए दोस्तों। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा ट्रेंड में आना चाहिए और इसके लिए आप सभी को एक होना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें आप मुझसे पूछते रहते हैं, और ये जो मेरा चैनल है वो शिक्षक भर्ती को समर्पित है। व्यक्तिगत जीवन है, मैं कैसे जीता हूँ, मैं अपनी लाइफ में अर्निंग कैसे करता हूँ, मेरे अर्निंग के सोर्स कैसे हैं, इसके लिए मैं अपने सेकंड चैनल जो कि मैंने AK शर्मा जिसका नाम कर दिया है। पहले अतुल कुमार शर्मा था लेकिन कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को हो जाता था कि सर नया चैनल का जो नाम है वो आप चेंज कर दें, तो उसका अब मैंने नाम कर दिया है AK शर्मा। और अभी तो मैं उस पर मोटिवेशनल वीडियो ही ला रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ से ही रिलेटेड है। आगे चलकर मैं उस पर अपने लाइफ से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, किस तरह से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, और आप उससे कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे दोस्तों। क्योंकि हम हमेशा गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, और गवर्नमेंट जॉब पाना यानी करीबन अपने 4 साल से लेके 3-4 साल लगा देना, क्योंकि कोई कोर्स करना पड़ता है। और शिक्षक भर्ती की बात करूँ तो आप समय का पूछो ही मत, क्योंकि 2013 के बाद 2021 में
कुछ लोगों को नियुक्ति मिली है, कुछ लोगों को, सबको तो नहीं मिली, हम कुछ ही लोग कहेंगे, और वो लोगों को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि आप उन लकी लोगों में हैं जो उस गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंच गए हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, लेकिन ये जीत अधूरी है जो लोग पीछे कतार में खड़े हैं जब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल जाती, जब तक पदों में वृद्धि नहीं हो जाती, वेटिंग वालों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता, जनजाति विभाग की प्रोसेस शुरू नहीं हो जाती। ये सब चीज़ें करनी है माँ। तो दोस्तों, यही मैं अपने सेकंड चैनल जो है उसमें हम सरकार की तरफ तो देखते ही हैं और समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके अलावा भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2015 में अपनी अर्निंग सोर्स इतने जनरेट कर लिए हैं दोस्तों कि अब मैं फ्री टाइम में कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं तो होता है ऐसा कि किसी भी प्राइवेट जॉब में करता और वहाँ पे अपने करीबन 10-10 घंटे और 11-11 घंटे देता और थोड़ी सी अर्निंग लेती और पूरी लाइफ उसमें निकल जाती, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं सुनी, मैंने कुछ और किया। क्या किया वो मैं सब अपने सेकंड चैनल पे धीरे धीरे बताऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा, जिससे आप उसे कनेक्ट कर सकें दोस्तों। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी भी कर सकते हैं, और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो सोने पे सुहागा। यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में यदि आप टीचिंग फील्ड में भी जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर काफ़ी मेहनत है। हालांकि मैं भी प्राइवेट जॉब मैं जाता हूँ दोस्तों, और उसमें मैं सिर्फ अपने 2-3 घंटे देता हूँ। मेरी शर्त वही होती है कि मैं 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगा, और मेरे अर्निंग सोर्स पहले से जनरेट हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्राइवेट जॉब रहे ना रहे, लेकिन मैं जाता इसलिए हूँ कि जो अपनी योग्यता है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी जो है अर्निंग सोर्स जनरेट कर सके। कैसे मैंने की है वो मैं सब डिटेल्स में अपने सेकंड चैनल पर बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी मेरे ब्लॉग्स उसमें आने वाले हैं, और अधिकांशतः जो है अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के स्टार्टिंग में ये ब्लॉग्स आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी शिक्षा भर्ती से जुड़ी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। इसी चैनल पे हम ये मुहिम लाएंगे, क्योंकि ये वो माहौल है इस समय दोस्तों, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव के बाद 2023 में जो है मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे सीएम पद के लिए 2024। तो ये जो बीच के साल हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें सरकार से लाभ लेना ही है, आप लोगों को नियुक्ति लेनी ही है, और ये आपका हक है। बहुत से लोग कहते हैं सर मिल जाए तो ठीक है, हमने तो आशा छोड़ दी। क्यों छोड़ दी आशा, किस लिए छोड़ दी? आपके माता पिता ने बीएड डीएड आपको कराया है, आप अच्छे नंबर लेकर आए हैं, क्यों आशा छोड़ रहे हो? मांग करो, अपनी हक की मांग करो और सब एक हो जाओ। गवर्नमेंट से हमें लाभ लेना है, हमें निवेदन गवर्नमेंट से करना है, बार बार करना है, और जब तक करना है जब तक हमारी मांग जो है वो पूरी न हो जाए। हम नियम अनुसार मांग करेंगे। पद वृद्धि का उन्होंने खुद नोटिफिकेशन में दिया है कि पद वृद्धि हो सकती है। वेटिंग वालों को उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो भी सीट खाली रहेंगी वो वेटिंग से फिलअप की जाएंगी। तो कब की जाएंगी, किस हिसाब से की जाएंगी, उसका जो होता है वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, फाइनल चयन सूची में नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया है पूछने का हक बनता है दोस्तों। और आपत्ति उन्होंने भी लगाई है, बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे संस्कृत हो गया, हिस्ट्री हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें उस हिसाब से कैंडिडेट नहीं लिए गए, क्यों नहीं लिए गए, ये पूछने का दोस्तों हक बनता है। और हम तभी पूछ सकते हैं जब हमारे पास संख्या बल होगा दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं जाने कि आपकी जो अभी मुहिम थी उन्हें कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है ऑर्डर जारी करके। यानी एक भाग तो वो हो गया जिन्हें नियुक्ति हो गई, और ये सबसे बड़ी जीत थी दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों ने तो नियुक्ति ली, ये हमारे लिए रास्ता साफ हो गया। देखिए कुछ लोगों को वहाँ पर होल्ड पर रख दिया गया, स्कूल अलॉट नहीं हुए, तो वो एक भाग वो बन गया। एक भाग वो भी है उसमें से जिसके पास एक्सेप्ट की रिसीप्ट है लेकिन वो उस सूची में नहीं आया। बात करें हम वेटिंग वालों को, तो उन्हें टच ही नहीं किया है। जनजाति विभाग की कोई अभी अपडेट आई नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल मांग करनी है दोस्तों, और चुनावी माहौल है तो ये बातें सुनी जाएंगी। ये जो मुद्दे हैं उन पर बिल्कुल आप मांग रखें, और ज़मीनी स्तर पर भी रखेंगे, सोशल मीडिया द्वारा भी रखेंगे। मुहिम आज चला सकते हैं या कल चला सकते हैं, मैं 1-2 दिन में अपडेट ले आऊँगा। और चाहे जनजाति विभाग की बात हो, पद वृद्धि की बात हो, वेटिंग की बात हो, या और जो भी हमारे मांगे हैं उनकी बात हो, सोशल मीडिया पर उन्हें हम ट्वीट और रीट्वीट करेंगे। इससे होगा ये
कि हमारी संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी और एक दिन हम मध्य प्रदेश में ही नहीं ऑल इंडिया में इसे ट्रेंड में ले आएंगे। जब ऑल इंडिया में यानी कि मध्य प्रदेश में नंबर वन पे आ गया तब भी बहुत बड़ी बात होगी, ऑल इंडिया में आ गया तो समझो कि ये मांग पूरी होगी होगी। तो कुछ बातें शेयर करनी थी, कुछ आपको बताना था दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।